हमारे यहाँ आ चुके हैं और हम ये शो जज इसलिए करते हैं क्योंकि ये शो बहुत क्रिएटिव है हमारे लिए, क्योंकि हमने हमेशा से डांस जज करा है, सिंगिंग जज करी है, लेकिन हमने एक साथ बहुत सारे टैलेंट को हम फर्स्ट टाइम जज करेंगे। मतलब ये जो शो है, जो फन किड्स इंडिया का इंडियन इमर्जिंग डांस शो है, तो ये बहुत डिफरेंट है। मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट से सबसे डिफरेंट शो ये बनाया गया है, तो हम बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे जज करने के लिए कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मतलब इंडिया का पूरा कल्चर लाइक सब तरीके के यहाँ पे आर्ट आने वाले हैं, तो हम बहुत अच्छा खुश हो रहे हैं कि आज हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि ये सीजन 2 है, लाइक सीजन 1 इससे पहले जा चुका है, और सीजन 2 माइक प्लीज, सॉरी माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, चलिए कंटिन्यू सर, ओके चलिए चलिए सेल कर दीजिए। सो जैसा कि ये सीजन 2 है, हम लोगों ने सीजन 1 भी देखा, तो मतलब सीजन 2 कुछ न्यू होने वाला है, तो हम लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे आने के लिए, देखने के लिए कि क्या होने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार चार कैटेगरीज है अलग अलग, जैसा कि अंजलि ने कहा से, तो और ये शो अभी डिजिटली मतलब जाने वाला है, वो लाइव होने वाला है, तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा लगेगा उससे, मतलब क्योंकि अभी डिजिटल मार्केट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये लग मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको जज कर रहा हूँ, और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर इट, सो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और बाकी अंजलि, और इस शो का सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक जगह से टैलेंट नहीं आने वाला, मतलब दिल्ली दिल्ली का नहीं, मुंबई मुंबई का नहीं, यहाँ पे फुल ऑल ओवर इंडिया का है, तो यहाँ पे मतलब सबको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना टैलेंट शो करो इस शो पे, क्योंकि कोई रियलिटी शो नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता, बट ये एक ऐसा शो है जिसमें हर कोई ऑडिशन दे सकता है और जजेस के आगे अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकता है, तो ये बहुत बेस्ट बात है, और जो कि सबको ये मौका मिल रहा है तो हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए हम बहुत खुश हैं कि हम जजेस हैं। साहिब, जब आप इस तरह के शो का हिस्सा बने, जब आपको अप्रोच करा गया, आप दोनों को अप्रोच करा गया, आप दोनों का क्या रिएक्शन था? The moment you know, fun kids India asked you to be on board, what was your reaction? Like, हम लोग का reaction ऐसा था कि मतलब it's very honor to us कि बहुत rare chances होता है कि ऐसे shows को judge करने का मौका मिले, क्योंकि इसमें categories है, मतलब different categories, क्योंकि हम लोग हमेशा solo देखते आए हैं, हमेशा like अलग अलग categories रहता है, हर show में रहता है कि dancing show है, singing show है, but इसमें ज़्यादा categories है, like 4 categories they have. So, मतलब हम लोग का रिएक्शन जो था बहुत, मतलब हमने सोचा ही नहीं कि हमें सोचना पड़े कि हमें जज करना है नहीं करना, हमने सीधा फाइनली कहा कि हम लोग आ रहे हैं, वी आर इन फॉर इट, हमें मतलब कि हमें हमने पैसे का छोड़कर और नाम का छोड़कर हमें जज करने को मिला ऐसा शो जिसमें सारी कैटेगरी हमें देखने को मिलेगी, तो हमने सोचा ही नहीं, हमने डायरेक्ट यस बोल दिया। आज मेरे लिए बहुत प्राउड है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ, इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? लाइक बहुत ज़्यादा जो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारा क्राउड है और पॉजिटिविटी जो आ रही है इधर से, तो हम लोग अभी उसी के हम भी सोच रहे थे कि वो पॉजिटिविटी हम लोग को भी मिले, हम लोग देखे उस पॉजिटिविटी को कि अलग अलग करेंट क्या क्या दिखा रहा है, लाइक सब कुछ ना कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग मस्का मार रहे हैं, कुछ ना कुछ फैंटास्टिक सा कर रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग सोचे कि कुछ न्यू देखने को मिले और हम लोग भी कुछ न्यू सोचे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक जर्नी देखा, हम लोग खुद देख के आए, हम लोग डांस दीवाने सीजन 3 में आके और हमने वो जर्नी देखा, तो हम लोग खुद सोच रहे कि ऐसा कुछ हमें भी देखने को मिलेगा और हम भी वैसा ही कुछ को जज करेंगे। सभी के पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं कि हमारा बच्चा कैसे करेगा, तो हम जब आ रहे थे यहाँ पे जजिंग के लिए, मतलब आ रहे थे तो इतना क्राउड देखकर सब लोग हमें स्माइल दे रहे थे कि बहुत डरे डरे ना, बहुत अच्छा लगा, अब हम भी देखते हैं कि कैसे कैसे आर्ट आने वाला है। पहले आपको लोग जज करते थे, आप ना लोगों को जज करते, ये प्राउड मोमेंट है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम कर सकते हैं। यस, इट्स वेरी प्राउड फॉर अस, लाइक क्योंकि हम लोगों ने एक सपना देखा था कि हम लोग पहले हम भी ऐसा कुछ करेंगे, जज बनेंगे किसी ना किसी शो के, और आज वो सब पूरा हो रहा है, तो हम लोग मतलब वेरी बिग मोमेंट फॉर अस कि हम लोग एक जज बन रहे हैं और इस मुकाम तक आके पहुँचे। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है एज ए जज के तौर पर, तो किन चीज़ों की वजह से आप किसी को सिलेक्ट करेंगे या नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्या कुछ ऐसे क्राइटेरिया रहेंगे आपके? तो सबका अलग अलग है, जैसे डांसिंग में एग्जीक्यूशन, पर्सनैलिटी, म्यूजिकलिटी ऐसे चाहिए होते, तो ऐसे ही सब एक्टिंग का अलग है, सिंगिंग का अलग है, और जितने भी कैटेगरीज है सबका अलग अलग वो है कि किस में हम किस चीज़ को किस चीज़ पर पॉइंट दें, ठीक है, तो हम यही देखेंगे, मतलब अभी तो फिलहाल हमने अभी तक डांस के देखे, पर धीरे धीरे करके हम एक्टिंग का भी देखेंगे और सिंगिंग का भी देखेंगे, तो जैसा वो हमें प्रेजेंट करेंगे, जैसा एग्जीक्यूट करेंगे, वैसा हम उनको पॉइंट्स देंगे।
ऑर्गेनाइजर के बारे में कहना चाहेंगे जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया जैसे सेकंड ईयर व्हाट यू हैव टू से अबाउट द गगन एंड देयर फंस इन इंडिया गगन सर बहुत एक्साइटेड है अपने शो को लेकर मतलब वो लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर इट लाइक वो ज्यादा एक्साइटेड है कि मेरा शो भी कैसा जाने वाला है क्योंकि वो लोग सीजन 1 कर चुके हैं तो अभी सीजन 2 है तो वो कुछ चाहते हैं कि अभी कुछ न्यू हो कुछ अलग हो लाइक सीजन 1 से भी ज्यादा अच्छा सीजन 2 में है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मतलब जितना हो सके इसको पुश ओवर कर रहे हैं कि और अच्छा बने ऐसा उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस चीज को फैलाने की लोगों तक कि ऐसा शो निकल रहा है जिसमें ये सारे टैलेंट्स को मौका मिलेगा और वो बैठ भी नहीं रहे उनको इतना बेचैनी हो रही है एक्साइटमेंट हो रही है कि बिल्कुल जल्दी 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 वो करना है काम करना है अपना आखिरी सवाल कब तक ये शो ऑन एयर होगा If you can throw some light, if there is no information, go back. No. Okay? Thank you guys. Thank you. देखो थंबनेल और वाली थंबनेल का कमाल देखो है ना हां कितने का है कहां दो रहा है मेरा भी क्लॉक हो गया है और हम लोग अब 27 जुलाई को 3 साल के हो गए हैं सो इज 3 इयर्स ओल्ड चैनल और आईटी सीजन पर हमने 2021 में स्टार्ट किया था और उस वो पूरा अब पता है कि नहीं उस समय कोविड हर जगह था तो वो सारा ऑनलाइन हुआ वो जो ये टैलेंट हंट है और इसमें 4 कैटेगरीज हैं सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग और कोई भी अदर टैलेंट किसी कोई अच्छा पोएट है या कोई अच्छा यू नो रेसर है कुछ भी है हर टैलेंट कवर किया हम लोगों ने और जस्ट नहीं कि खाली इंडिया से बट बाहर से भी तो सीजन में हमारी जो था ग्रैंड फिनाले वो दिल्ली में हुआ था और अदा खान और डैना जिलानी उनके जज थे मेरे साथ सीजन 2 तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सीजन 2 में तो हम लोगों ने गाज़ियाबाद से स्टार्ट किया ऑडिशन फिर हमने जम्मू हम मध्य प्रदेश गए देहरादून दिल्ली इवन हमने NRI को भी कवर किया है ऐसे और ब्रिस्बेन से कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो इंडियाज वर्ल्ड टैलेंट टॉप 50 में भी आए हुए हैं और अब हम मुंबई आए पहली बार सो इट्स फर्स्ट टाइम मुंबई एंड मुंबई से हमें जो प्यार मिला है जो जिसे जो टैलेंट हमें मिला है माय गॉड दे आर अमेजिंग और हम और लोग और चैनल से अलग हैं एज वी नो बिकॉज हमारे 4 कैटेगरीज हैं बाकी चैनल कोई सिंगिंग पे है या फिर एक्टिंग पे हम सबको मौका दे रहे हैं Simple, what's your take on how you came on board the moment this organizer asked you to be on board? And so I got a call कि ये इस तरह का एक talent show है जिसमें acting, singing, dancing है और different और भी talent के लोग हैं. So it excited me because there is a platform where you are not only being given a chance to perform as a singer or as an actor, but you know there are various options available. कोई अगर तबला बजाता है या सितार बजाता है या कोई और हुनर है तो वो दिखा सकता है ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम होते हैं तो दैट इज समथिंग दैट इज वाज एक्साइटिंग एंड यू नो दे कॉल्ड मी फॉर समथिंग दैट आई स्टैंड फॉर एक्टिंग आई बीन एक्टिंग फॉर इयर्स एंड इफ समथिंग कॉल्स मी टू जज दैट आई वुड रियली एंजॉय बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है एंड And I mean, I didn't have to think again. मुझे सोचना नहीं पड़ा. I was like, ये interesting concept है, and I think I should be a part of it. और कैसा experience रहा? आज मैं देख रहा हूँ, response is really good. The whole hall is crowded. Yes. You are judging someone on. We are still in the middle of the process. हम कर ही रहे हैं, and हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और हम basically हम encourage करते हैं. अगर किसी को disappoint नहीं करते, you know, encourage them to do even better. आप अभी आज जो दिन भर का दिनचर्या रही है उसमें कितने लोग टकराए जिन्होंने आपके सामने परफॉर्म किया और आपको लगा कि ये यहाँ थोड़ा सा कमी है यहाँ ज्यादा हाँ अभी कमी तो हमेशा कहीं ना कहीं मिलती ही है अभी तक तो मैंने बहुत ज्यादा सिंगिंग टैलेंट को सुना है एंड एक्चुअली आई हैव बीन ट्रेन्ड इन क्लासिकल म्यूजिक सिंगिंग तो
माया वाज वेरी रिसेप्टिव टू दैट. तो अभी मैंने एक्टिंग और सिंगिंग एक ही रूम में हो रहा है, मैंने एक्टिंग सिंगिंग परफॉर्मेंसेस बहुत देखी है, कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ एवरेज थी, कुछ बहुत सीखने की ज़रूरत है. तो तरह तरह के लोग आए हैं एंड इट्स स्टिल गोइंग टू गो ऑन द होल डे. ओके गगन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे रियलिटी टैलेंट शोज होते हैं, यहाँ बोल रहे हैं इंडिया इमर्जिंग टैलेंट, और वाकई में हिंदुस्तान में काबिल लोगों की कमी नहीं है, आप इस पूरी दिनचर्या या यू नो दूसरा तीसरा शो आपका ये कैंप साल है इस शो को लेकर सबसे टैलेंटेड जो लोग टकराए उनके बारे में यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. देखिए जैसे मैंने बताया, हमने जम्मू बरेली भी गए हैं, बदायूं भी गए हैं जो कि टीयर फोर सिटी है वहाँ पे, और जो बरेली बदायूं में जो हमें सिंगिंग टैलेंट मिला है वो अमेजिंग टैलेंट मिला है, और मुंबई हम पहली बार आ रहे हैं तो देहरादून में भी अच्छा टैलेंट हमें मिला है देखने के लिए, दिल्ली गाजियाबाद से भी हमें अच्छा टैलेंट मिला देखने के लिए. लेकिन सिंगिंग का जो हमने बरेली या बदायूं जैसे छोटे शहरों में जो आवाज़ देखी है वो नहीं है, तो टैलेंट हिंदुस्तान के कोने कोने में है और हम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन शहरों तक हम पहुँचे. स्पेशली छोटे शहर जो आपने बोला ना, छोटे शहर में लोग बहुत कम जाते, बहुत लोग मुंबई तक आ नहीं पाते, हर किसी के पेरेंट्स इनके इतने करेज नहीं होते. तो बहुत अच्छा है कि आप एक्चुअली अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जाते हैं और लोगों को मतलब वहाँ पे वहाँ से टैलेंट उठा के लाते हैं. बिल्कुल, और जहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं वहाँ हमारा ऑप्शन है ऑनलाइन ऑडिशंस का, तो हम ऑनलाइन ऑडिशन हमारे किए हैं जिससे हम लोग इवन आसाम तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, बर्लिन, दुबई जैसे जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन. सो हमारा जो मेन है कि सबको मौका मिलना चाहिए, डिस्टेंस हुआ या फिर यू नो कोई छोटे गाँव से है कुछ वो चीज़ आनी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि सबको मौका मिलना चाहिए. आप दोनों से जानना चाहूँगा क्योंकि सब कुछ इतना डिजिटल है और पूरी दुनिया डिजिटल पे है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम से लेकर हर चीज़ हमको सब मोबाइल पे ही मौजूद है, शो को डिजिटली ले आने का आइडिया क्यों किया आपने और शो कहाँ होने रुका? सो ये हमारा शुरू से ही था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फन किड्स इंडिया इज़ अ ऑनलाइन एंड वीडियो चैनल फॉर किड्स एंड फैमिलीज, तो शुरू से हमारा ऑनलाइन था क्योंकि धीरे धीरे क्या है जैसे हमारा जो किड्स सेक्शन है, जो हमारा जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं 19 साल तक के बच्चे होते हैं और आपको जानते हैं कि आपकी मोबाइल है, तो हमारा पहले ही से था कि हम डिजिटल रहेंगे, सेटेलाइट में हमारा कभी विचार नहीं बना क्योंकि जो है ऑनलाइन ही ग्रो कर रहा है, तो इसलिए हमारा फोकस वही रहा है. और जो फन किड्स इंडिया है अभी जो फन किड्स डॉट इन हमारी मेन वेब मेन प्लेटफॉर्म है जो उसको ग्रो हो रहा है हर दिन, और उसको हम ओ टी टी प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं 1-2 साल के अंदर. सिंपल व्हाट यू टू से, जैसे उन्होंने कहा कि दिस इज फॉर देयर ओन पोर्टल, so that's what I've been told and उसी को वो आगे बढ़ाएंगे. Anything else you want to say? जो मैंने पूछा ना हो? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी सब ये जो प्लेटफॉर्म है प्लीज़ एवरीबडी कम फॉरवर्ड, मुंबई में जो हमें इतना प्यार मिला है अभी तो ये एक तो काम किया था बीच में है ऑडिशंस के, अभी हमारा जो ग्रैंड फिनाले है वो 25 सितंबर को होगा दिल्ली में मुंबई में कहीं पे, लेकिन उसमें सली मर्चेंट जो है हमारे वो जज हैं और हमारे जो ज्यूरीज मेंबर हैं जैसे वी आर ऑल्सो इनवाइट सिंपल जी टू बी द पार्ट ऑफ द ज्यूरी एंड जजेस. And then yes, it will be amazing if everybody just watch us on funkids.in and on our social media platforms. Simple, anything you want to say? Nothing to add on, but it'll be interesting and an honor to be a part of you know judging a contest like that. Thank you, Sumit. Thank you. ठीक है यहाँ पे सर वो तो भी लुक किया सर सिंगल आप ना अच्छा सर यहाँ पे देखिए चलिए गुड टू सी यू गाइस गाइस वी आर स्टार्टिंग न्यू Tell us, you know, it is absolutely a different thing, absolutely a different mind-blowing initiative where we are getting numerous people on board, kids on board. What was your reaction the moment the organizer asked you to be on board? Well, it's always a pleasure to actually work with kids.
And I've been told that, you know, funkids.in is collaborating with schools, which is a great thing. Because, you know, I feel if you directly collaborate with the schools, you have a very organic and very democratic kind of reach, which is nice because it's very inclusive. It's not like, you know, a very business way where you're usually approaching talent. So I like the way it has been inclusively done collaborating with schools. And I'm having a lot of fun because to see so much talent among kids and, you know, to promote multi-talented kids. It's not just singing or dancing, there's acting. And, you know, because everybody is blessed with different kind of talent. If you are good at singing, somebody may be good at cooking, somebody may be good at acting, or for that matter, photography. So, I feel this platform gives a very versatile kind of an approach because it promotes versatile talent. So that way, you know, kids with different potentials are given a really lovely platform and a lot of exposure, which is amazing. And I'm privileged and happy to be part of this project. And I'm getting to witness a lot of exuberant talent, to witness kids with all their versatility and all the vibrance and energy, which is really nice. And it's a lot of pleasure to be part of. गंग जी, सिर्फ टैलेंट की बात तो चलिए समझ में आती है, सिंगर आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, कई बार ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि आपने बच्चे आए और मालूम पड़ा कि वो घर के लोगों को नहीं पता था कि वो बच्चा ये काबिलियत रखता है, ऐसा कुछ हुआ है? यू नो, हैव यू एवर कम अक्रॉस समबडी लाइक? वेल, आई हैव बीन पार्ट ऑफ रियलिटी शो जजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज़ आई एम फ्रॉम साउथ एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन फिल्म्स एंड साउथ इज एवरीवेयर नाउडेज. Absolutely. So I've judged for top channels like Manorama and AsiaNet and, you know, the mainstream channels. So we have, I mean, with my experience of 20 years in the South Indian playback and Indra Rakhi, I've been doing Ghazal shows. I've been lucky enough to collaborate with great maestros like Sridhar Chakravarti, Udayan Chatterjee, to name a few. So for me, this whole Bombay atmosphere is new and it's a new field for me altogether coming from the South. But here, what I observe is that, you know, especially in the South, kya hota hai, from childhood, classical music, Carnatic music is grilled into them. So here, as you rightly mentioned, there are kids coming from very, very different backgrounds where you said the grooming is not there at home. But suddenly, one fine day, you discover, hey, this kid can sing so well. So idhar aake, sorry, my Hindi is a bit. Nah, it's okay, no problem. It'll do. So, after coming here, I've experienced that, you know, there's so much talent from very rustic backgrounds. You know, people suddenly out of the blue, and you realize, oh my god, this kid doesn't look like a singer, doesn't look like he's come from a musical background, but there's so much talent out there. So, it's amazing to discover this kind of talent. Absolutely. Or the question tha aapka ki bhai, ha, aise bahut instances hue hain, kyunki माताओं को पिताओं को पता नहीं होता बच्चे में क्या हुनर है. जैसे कुछ ऐसे तबला वादक हैं, कुछ वो पता है कि भाई हमारा जो बच्चा है हम तबला सिखा देंगे. लेकिन कई बार ऐसा होता है तबला वादक के घर में अभी भी क्यूबर पैदा हो जाता है, क्विज मास्टर पैदा हो जाता है. तो वो हमने बहुत देखा है. और ये एक जगह नहीं, हमने कई जगह ऐसा नोटिस किया है कि माता पिताओं को पता नहीं होता बच्चे में क्या टैलेंट है, और जब हमारा जो प्लेटफॉर्म है उनको ये मौका देता है आगे बढ़ने का. तो इसलिए, यू नो, इंडिया इज़ एमर्जिंग टैलेंट इज़ अ नेम वेयर व्हिच प्रमोट्स एवरी टैलेंट. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. प्रमोद, तुम पीछे थोड़ा. जी यस यस. तो हेलो मैम, यहां पे सामने चाहिए क्या चलो ये हेलो क्या ओके नहीं ना मैम साहब. सर आइए, आप भी आइए. सर आप भी आइए. आ जाइए. ओके, थैंक यू.